स्वागत है आपके अपने चैनल सुरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के थ्रू जो पैरा मेडिकल की काउंसलिंग राउंड वन की हुई थी, उसमें उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में जो रिपोर्टिंग की गाइडलाइन है वो जारी कर दी गई है। आप देख सकते हैं ये गाइडलाइन जारी की गई है 3/8/2023 को। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑफिस ऑर्डर है इसका, और इसमें कहा गया है कि जो काउंसलिंग हुई है पैरा मेडिकल बैचलर कोर्सेज सेशन 2023-24 के लिए काउंसलिंग गाइडलाइन इन्फॉर्मेशन ब्रोशर अटैच कर दिया गया है। इसमें आपने ये डिटेल्स को देखा और इसमें चीज़ों को समझा, और यहाँ पर आप देखेंगे कि किसमें क्या क्या करना है। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि एडमिशन कमेटी जो गठित की गई है इसकी तरफ से, तो किसे कौन कौन सा देखना है। यहाँ फैकल्टी और स्टाफ का नाम दिया गया है, इधर किस कोर्स को कौन सा देखना है, और पोस्ट और मेम्बर्स दिए गए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर का वेन्यू क्या है, काउंसलिंग हॉल है, स्टूडेंट सेल, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस UP UMS। आपको 9 बजे से 5 बजे के बीच में वर्किंग डेज में जाना है, जो टाइमिंग दी गई है। तो उस टाइमिंग में कौन से डेट्स हैं उस डेट को देख लीजिए। रिपोर्टिंग जो डेट दी गई हैं वो रिपोर्टिंग 4 अगस्त से लेकर 11 अगस्त के बीच में देना है। तो ये आपको 5 बजे तक देना है। यहाँ पर आप देख लीजिए 9 बजे से 5 बजे तक जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थ्रू ऑनलाइन कॉलेज पोर्टल प्रोवाइडेड बाय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। वेरिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट्स और डोमिसाइल एज पर बाउचर। तो फिलिंग अप कैंडिडेट डिटेल्स, अपलोडिंग द मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, इन सारी डिटेल्स को देना है, और कलेक्शन ऑफ फीस डिपॉजिट रिसिप्ट प्रोवाइडेड बाय कैंडिडेट एंड 1 सेट ऑफ द सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। तो ये सारी डिटेल्स दी गई है, तो इसी के अनुसार आप सभी लोग पैरा मेडिकल की काउंसलिंग में जाएं और वहाँ सारी चीज़ों को देखें। अगर कोई कन्फ्यूजन है रिपोर्टिंग में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।